94.3 माय एफएम सुन रहे हैं आप, मैं आरजे मीनाक्षी, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आज की कहानी, एक पिता अपने पुत्र की बहुत अच्छे से परवरिश करता है, उसे अच्छी तरह से पढ़ाता है, लिखाता है, उसकी हर तरह से उसकी सारी कामनाओं की पूर्ति करता है, और इसके कारण उसका बेटा जो है एक सफल इंसान बन जाता है और एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बन जाता है, और फिर अच्छी सैलरी, सारी फैसिलिटीज उसके पास होती हैं, तो बहुत ही सुंदर एक कन्या के साथ इसकी शादी हो जाती है। अब पिता जो होता है वो गांव में रह रहा होता है और इनका जो सीईओ बेटा है वो शहर में। काफी समय बीत जाता है और पिता जो है वो सोचता है, मैं काफी बूढ़ा हो चला हूँ, चलो जरा अपने बेटे से मिल के आता हूँ। अपने बेटे के पास जाता है ऑफिस में, तो वहां पर चारों तरफ उसकी वाहवाही देखता है, चारों तरफ लोग जो है उसकी इज्जत आदर सम्मान कर रहे होते हैं उसके बेटे का, तो वो देख के उसका सीना बिल्कुल गर्व से फूल जाता है। अंदर जाता है अपने बेटे के केबिन में, जो बहुत बड़ा होता है और बहुत खुश होता है अपने बेटे को देख के। अपने बेटे के सर पे हाथ रख के कहता है कि बेटे बताओ मुझे आज की इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान तुम्हें कौन सा लगता है। बेटा बोलता है बड़े गर्व से, पिताजी मैं, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा। बाप को लगता है कि मेरे बेटे में शायद घमंड आ गया, उसको बुरा लगता है और वो फिर जाने लगता है। जैसे ही वो केबिन से बाहर निकलने लगता है तो दरवाजा खोलने से पहले वो सोचता है कि मैं अपने बेटे से एक बार फिर पूछूं। वो कहता है मुझे बताओ बेटा कि सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है। बेटा कहता है आप। तो वो हैरान रह जाता है, वो कहता है बेटे तुमने ऐसे क्यों कहा, थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे कि मैं शक्तिशाली इंसान हूं सबसे ज्यादा दुनिया का, और अब तुम कह रहे हो ये। तो बेटा कहता है कि पिताजी जिसके सर पे आपका हाथ हो, जिसके सर पे अपने बाप का हाथ हो, उससे ज्यादा शक्तिशाली दुनिया में कोई नहीं होगा। मेरे सर पे आपका हाथ था, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान महसूस कर रहा था। यानी क्या? यानी ये कि आपके पेरेंट्स का आपके सर पे हाथ होना आपके लिए किसी खुशकिस्मती से कम नहीं। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका जीवन एक घड़ा है ना, तो आपके पेरेंट्स, आपके बड़े बुजुर्ग, इवन आपके इन-लॉज जो हैं, वो उस बड़े से घड़े पर ढक्कन की तरह है। ढक्कन हटाया तो अंदर गंदगी गिरेगी। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। मीनाक्षी और माय एफएम तो यही कहते हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।